अखिल भारतीय अमन कमेटी की बात करें जो कि सन 2003 से देश के उत्थान के लिए, जनता के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। हमारे हमें इस समय उत्तर प्रदेश लोनी के अंदर यहाँ पर देखने में आ रहा है, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर आर के सक्सेना साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे अमन कमेटी के बारे में? देखिए, अमन कमेटी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है पन्ना लाल जी हैं उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी, बनाई गई थी। और उसके बाद में 2018 में 17 में प्रदेश जिला अध्यक्ष बना जी। और 2000 जिला अध्यक्ष के बाद जो है मैंने काफ़ी एफर्ट्स किए। मेरा उद्देश्य यह है कि इस पार्टी को एक ऊंचाइयों पर ले जाना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, गरीबों का शोषण जो हो रहा है उसको दूर करना है जी। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी बातों के लिए देश इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है जी। सबसे बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए हमें समर्पित रहना है, यही मेरी पार्टी का उद्देश्य है। लोगों को मैंने देखा है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग, जरा सी कोई बात हुई नहीं उसको मॉब लिंचिंग और ये दुनिया भर का आडंबर ये आरोप लगाते हैं, ये चीज़ गलत है, और अपने अवार्ड वापस करते हैं, ये चीज़ भी गलत है। राष्ट्र इससे कोई बड़ा नहीं है। तो अगर हम, आपने बात की भ्रष्टाचार की, बात करी निचले तबके के उत्थान के लिए, वो काम तो मोदी सरकार भी कर रही है। नहीं, हमारा समर्थन उनके साथ है, उनकी नीतियों के साथ है, हमारा हमेशा सहयोग। अखिल भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी नीतियों से मैं सहमत हूँ, और मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि मैं राष्ट्रहित के लिए। आप प्रदेश उपाध्यक्ष दूसरी पार्टी के होने के बावजूद तारीफ कर रहे हैं मोदी सरकार की? बिल्कुल, क्योंकि उनकी नीतियां जो हैं अब तक मैंने बहुत कुछ देखा है राष्ट्रहित में। अगला राष्ट्रहित उसके लिए सर्वोपरि है, और राष्ट्रहित के लिए ही वो काम कर रहे हैं। नोटबंदी सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत हैं। जीएसटी लगाया सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। क्यों, जीएसटी पहले एफडीआई लागू करा सहमत? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि ऐसा है कि नोटबंदी से जो भ्रष्टाचारियों के पास काला धन जो पड़ा था वो निकल के बाहर आया है, और जो आतंकवादी जो उसका मिसयूज करते थे उस नोटों का, वो उनकी कमर टूट गई आतंकवादियों की। और यहाँ तक कि आप ये देखिए, नोटबंदी होने से जो बिल्कुल कालाबाजारी करते थे वो भी कहीं तक कम हुई है। जीएसटी का जो अन्य जो तरह के जो टैक्स लगते थे वो सारे मिलाकर एक टैक्स कर दिया, उसको हम जीएसटी बोलते हैं जी। तो जीएसटी का कोई लोगों समझने के ऊपर है, गलत लोग जो समझते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, वो कहीं तक गलत है। विकास की अगर हम बात करें मोदी सरकार की, सहमत है विकास? बिल्कुल है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वर्ल्ड में, समाज में, देश में नाम किया है उन्होंने। लोनी में सही विकास हो रहा है? लोनी में लगभग लगभग अच्छा विकास हो रहा है, और ये है आगे भी अभी अच्छा, क्योंकि लगभग लगभग, क्योंकि अभी मेरे पास परसों विधायक जी से मिलना हुआ था, आए थे घर पे आए थे, उन्होंने भी वायदा किया था कि इसको 6 महीने के अंदर लोनी का रंग ही बदल देंगे, लोग पहचानेंगे नहीं है ये लोनी है। एक तरफ लोनी और दूसरी तरफ गाजियाबाद, जमीन आसमान का अंतर है वो एक्चुअल में। अब तक जो भी पार्टियां रही उन्होंने लोनी के लिए कोई काम नहीं किया जी। और अब जब से हमने अखिल भारतीय अमन कमेटी यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसी बात नहीं है कि लोग यहाँ से पलायन करें, लेकिन अब तक बहुत सी पार्टियों ने एमएलए रहे, चेयरमैन रहे, कोई काम नहीं किया। जब से हमारे बीजेपी का जो एक सीरीज बनी है एमएलए और चेयरमैन, इनकी दोनों की संगठन से, इन दोनों के आपसी तालमेल से जो कार्य अब हो रहे हैं, देखो एक 50 साल का जो कार्य नहीं होना और उसको 15 दिन में और महीने भर में करना ये संभव नहीं हो पाएगा, उसको भी टाइम लगेगा, तो हमने उसको लो टाइम दिया। आप जो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, क्या सीबीआई का डर या ईडी का डर से तारीफ कर ये रहे कोई है? कोई मैं किसी पार्टी क्यों, मैं एक ईमानदार हमेशा कर्मठ रहा हूँ, ईमानदारी की हमेशा मैंने फेवर किया है ईमानदारी के लिए, और मेरा उद्देश्य यह है मैं किसी पार्टी से नहीं डरता हूँ, ना ही मैं गलत काम करता हूँ, ना ही मैं सीबीआई से, आईडी से, आईडी से जो भी है, ना ही मैं सीबीआई से, आईडी से, आईडी से जो भी है, विजिलेंस से, मैं किसी से नहीं डरता। मैं केवल जो देश हित के लिए काम करेगा, चाहे वो मोदी हो या अन्य हो, मैं उसका समर्थन करूँगा।
उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने वाले समय में अमन कमेटी क्या योजनाएं लेकर के आ रही है, क्या काम कर रहे हैं आगे? सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और जो गरीबों का शोषण हो रहा है, किसान को समय पे जो खाद वगैरह नहीं मिल रही है, उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, आगे लड़ते रहेंगे और गरीबों का जो शोषण हो रहा है उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हमारी अलग है और समर्थन अलग है। अच्छा, उनकी नीतियों से जो समर्थन है वो अलग है। अलग है, अलग है, दोनों में मतलब अलग 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 है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप ये सोचें समझें कौन अब तक कितने ने कितनी किसी पार्टी ने कितना अच्छा काम किया है जी। और अब ये सोचें कि मोदी ने 5 साल के अंदर या 6 साल के अंदर क्या क्या काम किया वर्ल्ड में। आज तक आपके जो भी प्रधानमंत्री जाते थे कोई पूछता नहीं था जी। इंडिया को बड़ा हिंदा की नज़र से देखते थे। आज मोदी जाता है तो मोदी को सर आंखों लेते हैं जी। आज तो हमने राष्ट्र देखना है, हमने पार्टी से ऊपर उठ के काम करना है। राष्ट्र से बड़ा कोई भी पार्टी नहीं है, ना कोई शख्स है, ना कोई आदमी है, ना कोई पद है। गणेश उत्सव आने वाले, गणेश चतुर्थी, क्या शुभकामना देना चाहेंगे? मैं अपने समस्त लोनी क्षेत्र के नगरवासियों को गणेश चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि गणेश चौथ पर संयम और शालीनता से उसका त्यौहार मनाएं और एक दूसरे के गले मिलकर प्यार से सौहार्दपूर्ण अपना वातावरण बनाए और बड़े प्यार से इसका जो है जो भी विसर्जन हो, जो भी कार्य हो, उसको प्यार से उसको एक दूसरे को मिलकर मनाए। यही मेरी कामना है और यही मेरी दुआएं हैं। मैं सबसे कामना दुआएं करता हूं कि ईश्वर ये कार्यों को संपन्न करे और अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए अब भविष्य में भी जो भी प्रोग्राम हो, गणेश चौथ हो या अन्य कोई भी प्रोग्राम हो, बहुत सौहार्दपूर्ण, बहुत संपन्नता से उसको मनाया जाए।